नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल ऑटो केसेस ट्राई में। आशा करूंगा आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा और हमारे पहले वाले वीडियो भी आपको अच्छे लगे होंगे। अगर लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ घंटों को दबाना ना भूलिएगा, प्लस लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की डेली डोज और पता लगाते हैं टेक न्यूज और ऑटोमोबाइल्स के बारे में। चलिए दोस्तों, पता लगाते हैं आज के डेली डोज के बारे में और आशा करूंगा आपको ये डेली डोज पूरा देख के अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हो सकता है कि हमारा डेली डोज बन जाए बड़ा, तो उसके लिए भी माफी चाहूंगा। साथ ही साथ आज है गणेश चतुर्थी, यानी आज से चालू हो गया है और गणपति बाबा आने वाले हैं, तो यहाँ पे आप सभी को बधाइयां और आशा करेंगे कि आप सब अपने जीवन में सक्सेस पाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो पता लगाते हैं सबसे पहले डेली डोज के बारे में, और सबसे पहले डेली डोज हमारे को मिल रहा है जियो की तरफ से। यहाँ पे जो भी यूज करते हैं जियो फोन को, तो अब उन्हें व्हाट्सअप मिल जाएगा। और यहाँ पे बोला जाता है 25 मिलियन लोग हैं जो इंडिया के अंदर जियो फोन को यूज करते हैं, जो कि एक लाजवाब चीज है। तो यहाँ पे अब आपको व्हाट्सअप मिल रहा है, तो अब यहाँ आप अपने दोस्त के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, घर वालों के साथ इजिली व्हाट्सअप के द्वारा बात कर सकेंगे और मजे उठा सकेंगे। तो बताइए क्या सोचते हैं इसके बारे में, और क्या आपके पास भी है जियो फोन, और क्या आपने भी इसे अपडेट कर लिया व्हाट्सअप के अंदर, तो बताइए क्या आपका एक्सपीरियंस है, कमेंट कीजिए और बताइए। चलिए पता लगाते हैं अगली डेली डोज के बारे में, और अगला डेली डोज जरा गूगल की तरफ से। यहाँ तीन न्यूज आई है, तो हमने उसे मर्ज कर लिया है। यहाँ पे बात करें सबसे पहले न्यूज की गूगल की, तो यहाँ पर अब असिस्टेंट, जो गूगल का असिस्टेंट है, वहां आपको नॉर्वेगन और डेनिश का सपोर्ट मिल जाएगा, तो ये एक अच्छी चीज है। वही बात करें इसकी दूसरी न्यूज की, तो यहाँ पर ये आ रही है कि जो गूगल का जी बोर्ड है, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि यहाँ स्मार्ट फ्यूचर आने वाला है। अब यहाँ पे इसकी टेस्टिंग चालू हो गई और कुछ यूजर्स को ये मिल चुका है, तो देखते हैं अब ये कब तक आता है और कब तक हम सब यूज कर पाएंगे। यहाँ पे बात करें इसकी आखिरी न्यूज की, तो यहाँ पर गूगल की तरफ से ये न्यूज आ रही है कि जो इनका इनबॉक्स ऐप है, वो उसे खत्म करने वाले हैं, यानी नेक्स्ट ईयर तक ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी इनबॉक्स यूज करते हैं, तो उनके लिए दुख की बात है, और यहाँ पे अब आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो बताइए क्या आप यूज करते हैं इनबॉक्स ऐप को, अगर करते हैं तो क्या आपका एक्सपीरियंस था, और क्या सोचते हैं कि भैया गूगल को ये खत्म नहीं करना चाहिए था, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो अगला डेली डोज आ रहा है जीप से। यहाँ पे जीप की तरफ से दो न्यूज आई है। जीप लेके आने वाली लिमिटेड प्लस कंपास के अंदर, और ये बोल रहे हैं नवरात्रि तक आपको देखने मिल जाएगी। यहाँ पे बात करें दूसरी जीप की न्यूज की, तो हाँ, जीप ने अनवील किया कंपास ब्लैक पैक, जिसके अंदर आपको फुल ब्लैक कलर में देखने मिलेगा, इंटीरियर से लेकर एक्सटीरियर तक टायर सब आपको ब्लैक में ही देखने मिलेंगे, तो इसे आप परचेस कर सकते हैं। इसके और जानकारी चाहिए तो हमने नीचे लिंक दे रखी है, आप वहां जाके और देख सकते हैं। तो बताइए क्या आप इंटरेस्टेड हैं जीप के लिमिटेड प्लस को खरीदने में, या फिर ब्लैक पैक वाले वेरिएंट को खरीदने में, या फिर आप सोच रहे हैं कि कुछ और ऑफरोडर गाड़ी हम खरीदेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो अगला डेली डोज आ रहा है वर्जिन की तरफ से। यहाँ पर वर्जिन लेके आने वाली है 5G ब्रॉडबैंड नेटवर्क। जी हाँ, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको ये अक्टूबर से देखने को मिल जाएगा अमेरिका में, जो कि एक लाजवाब चीज है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी 5G पे वर्क चल रहा है, और यहाँ ब्रॉडबैंड की बात हो रही है, तो देखते हैं ये किस प्रकार से फ्यूचर देता है और क्या क्या यहाँ पैक देखने को मिलते हैं, क्या यहाँ स्पीड होती है, परंतु ये बड़ी लाजवाब चीज है। और यहाँ पर जो हस्टन, इंडियन पॉलिस, लॉस एंजलिस और सैक्रामेंटो में रहते हैं, उन्हें वो इसे साइन अप कर सकते हैं और ये पा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक बहुत गजब की न्यूज है, अगर आप यहाँ अमेरिका में रहते हैं, तो यहाँ पे आप वर्जिन का 5G ब्रॉडबैंड को यूटिलाइज ले सकते हैं। तो बताइए क्या सोचते हैं इसके बारे में, और क्या आपको लगता है कि ऐसा 5G ब्रॉडबैंड इंडिया में भी जल्दी से जल्दी आना चाहिए, तो कमेंट कीजिए और बताइए। चलिए दोस्तों, पता लगाते हैं अगली डेली डोज के बारे में, और अगला डेली डोज आ रहा है सीगेट की तरफ से। यहाँ पे सीगेट ने अनवील करती है 4 नई हार्ड डिस्क, और यहाँ पर हर कंज्यूमर के अलग अलग पर्पस के हिसाब से इन्हें लॉन्च किया है। यहाँ बात करें इनके नाम की, तो यहाँ पर आपको मिल रही है आयरन वुल्फ, आयरन वुल्फ प्रो, और यहाँ पर आपको मिल रही है बेरक्यूडा प्रो, और यहाँ पर आपको मिलेगी स्काई हॉक, और यहाँ पर एक और जो है वो है एक्सॉस X14 यानी 14। तो यहाँ आपको ये 4 मिल रही है, और ये 14 TB की हार्ड डिस्क है। यहाँ बात करें प्राइसिंग की, तो यहाँ ये $509.99 से स्टार्ट हो रही है, यानी इंडिया के अंदर अराउंड 37-38 के आसपास ये पड़ेगी, तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। परंतु यहाँ पर ये 14 TB की है, और अलग अलग पर्पस के हिसाब से
इसे बनाया गया है, तो बड़ी लाजवाब चीज है। अब देखते हैं इंडिया में क्या आती है और किस प्रकार से इसकी प्राइसिंग होती है। परंतु आप बताइए क्या आप इंटरेस्टेड हैं इसे परचेस करने में, और अगर क्या आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे चेक कीजिए लिंक, वो हमने इसके बारे में और आप जान सकते हैं। तो बताइए क्या सोचते हैं इसके बारे में, और क्या आपको ये नई हार्ड डिस्क पसंद आई या नहीं आई। बात करें अगली डेली डोज की, तो अगला डेली डोज आ रहा है जियो से। यहाँ पर रिलायंस जियो लेके आ गया एक नया ऑफर, तो जो भी यूजर्स हैं उनके लिए एक और खुशखबरी है कि यहाँ पर अब आपको मिलेगा 100 रुपए का कैशबैक। जी हाँ, 399 का अगर आप प्लान करवाते तो यहाँ आपको मिलेगा 100 रुपए का कैशबैक। और यहाँ पर ये किस प्रकार से आप पा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको जियो के ऐप पे जाना होगा, वहां से आपको पेमेंट करना होगा और वो भी फोन पे से। जी हाँ, और तब आप पा सकेंगे ये 100 रुपए का कैशबैक। यहाँ पर आपको 50-50 रुपए के वाउचर मिलेंगे, जो कि वो हर टाइम वही करते हैं। तो यहाँ पर ये तो ऑफ मिल ही रहा है, साथ ही साथ आप जानते हैं आपको 10 GB फ्री भी जियो दे रहा है। तो यहाँ आपको बहुत गजब का ऑफर मिल रहा है जियो की तरफ से। तो अगर आप भी यूज करते हैं जियो सिम तो यहाँ आप इसका इंजॉयमेंट ले सकते हैं। तो बताइए क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो अगला डेली डोज आ रहा है सैमसंग मैसेज और एंड्रॉइड मैसेज की तरफ से। यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर किया है कोलैबोरेशन, और यहाँ ये लेके आने वाले एक नया फीचर जिसका नाम है RCS, यानी रिच कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर बात करें क्या है, तो यहाँ ये एक तरीके से SMS ऐप है, परंतु यहाँ जो आपको सोशल मैसेज के अंदर जो फीचर्स देखने को मिलते हैं वो फीचर यहाँ अब ये इसके अंदर लेके आ रहे हैं। तो हो सकता है ये आपको जल्दी देखने को मिले। अब देखते हैं किस प्रकार से आता है और क्या क्या और चीजें यहाँ हमारे को देखने को मिलती है, परंतु ये बहुत लाजवाब चीज है। और यहाँ आपको कोई एक्स्ट्रा ऐप भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप अपने सैमसंग के मैसेज और एंड्रॉइड मैसेज पे ये पा सकते हैं। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है आने वाले टाइम में, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर से बताइएगा कमेंट के द्वारा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली डेली डोज की, और अगला डेली डोज आ रहा है एप्पल की तरफ। यहाँ बात करें एप्पल वॉच सीरीज 4 की, तो यहाँ आपको पहले से डिजाइन जो है वो इम्प्रूव मिल रही है, UI भी अच्छी कर दी है, यहाँ स्पीकर भी अच्छा है, आपको डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है, और यहाँ आपको कुछ नए फीचर मिलेंगे। तो ओवरऑल यहाँ आपको इस बार एप्पल जो वॉच सीरीज 4 है वो पहले से बेहतर और अच्छी मिलने वाली है। यहाँ बात करें प्राइसिंग की, तो यहाँ GPS वेरियंट के लिए आपको पे करने होंगे $399, और वहीं आपको सेल्यूलर वेरियंट खरीदना है तो वहां आपको पे करने होंगे $499। सेप्टेम्बर 14 से यानी कल से ये स्टार्ट हो जाएगा प्री ऑर्डर, और बोला जा रहा है सेप्टेम्बर 21 से आपको मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो बताइए क्या आप इंटरेस्टेड हैं इसे परचेस करने में, कमेंट कीजिए और बताइए। और प्राइसिंग तो भैया हद से ज्यादा है। अब बात करें यहाँ पर अब एप्पल के आईफोन के XS और XS मैक्स और IR वेरियंट की, तो यहाँ पर आपको मोस्टली वो की वही डिजाइन मिल रही है, पर डिस्प्ले जो है वो बड़ी कर दी है, जिसकी हम पहले भी बखान कर चुके हैं, जो लीक्स में भी साफ हो चुका था। यहाँ पर आपको वही डिस्प्ले देखने मिल रही है 5.8 इंच की और 6.5 इंच की डिस्प्ले। यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल ड्यूल कैमरा मिल रहा है दोनों के अंदर। आपको यहाँ पर दोनों के अंदर A12 चिपसेट देखने मिलेगी, यानी बायोनिक चिपसेट देखने मिलेगी, और यहाँ पे आपको अलग अलग वेरिएंट्स में इसे आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर ओवरऑल ऐसा कुछ खास हमारे को इम्प्रूव नहीं दिखा है। एक चीज है जो यहाँ पर इसकी जो चिपसेट है वो इम्प्रूव हो चुकी है, साथ ही साथ यहाँ जो ID थी फेस ID उसे भी इम्प्रूव किया है। यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे और हमारे अलग वीडियो में, और वहां आपको और अच्छे से इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे बात करें IR की, तो IR आपको मिल रहा है सिंगल कैमरा के साथ, सेम 7 मेगापिक्सल जो आपको S और S मैक्स में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बात करें और क्या है, तो यहाँ आपको वही बायोनिक चिपसेट मिल रही है, और ओवरऑल यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो इसकी रखी गई है 76,000 के आसपास। बात करें अगली डेली डोज की, तो अगला डेली डोज आ रहा है माइक्रोमैक्स की तरफ से। इन्होंने अनवील किया है Canvas 3, जी नहीं TV, जी हाँ ये टीवी है, स्मार्ट टीवी है। यहाँ पे आपको मिलेगी 3 वेरिएंट में, 32, 40 और 50। 32 वाली आएगी HD के साथ, वहीं 40 और 50 आएगी फुल HD के साथ। यहाँ आपको क्वाड कोर का प्रोसेसर मिल रहा है और एंड्रॉइड का मजा मिल ही रहा है। तो यहाँ पे बात करें प्राइसिंग, तो 15,990 से ये स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो बताइए क्या आप इंटरेस्टेड हैं इसे परचेस करने में, या फिर आप सोचें कोई और स्मार्ट टीवी खरीदेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली और फाइनल डेली डोज की, तो अगला और फाइनल डेली डोज आ रहा है IBM और IIT बॉम्बे की तरफ से।
यहाँ पे इन दोनों ने कोलेब्रेशन किया है और यहाँ ये काम करने वाले हैं एआई के ऊपर। जी हाँ, यहाँ ये वर्क कर रहे हैं एआई रिसर्च पे, किस तरह से इंडिया के अंदर एआई को लेके आया जा सके और क्या क्या यहाँ पे यूटिलाइज लिया जा सकता है एआई के द्वारा। तो यहाँ पे इन दोनों का कोलेब्रेशन हुआ है और देखते हैं आने वाले टाइम में हमारे को क्या क्या चीजें देखने मिलती है इन दोनों की तरफ से। तो देखते हैं क्या लेके आते हैं ये और वेट करते हैं, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर से बताइए कमेंट के द्वारा। और आशा करूंगा आपको आज का डेली डोज पसंद, और अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ घंटे को दबाना ना भूलिएगा, प्लस लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा। मैं तो आपका दोस्त अमन सारडा, भारत माता की जय।